महिलाओं के जीवन में मेंस्ट्रुअल उनकी प्रकृति से जुड़ी प्रक्रिया है। हर साल 28 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में जर्मन एनजीओ वॉश यूनाइटेड ने की थी। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य लड़कियों या महिलाओं को पीरियड्स यानी महीने के उन 5 दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। आमतौर पर महिलाओं को पीरियड्स 28 दिनों में आते हैं, इसी कारण इस दिवस के लिए 28 तारीख चुनी गई है। गाँव और छोटे शहरों में बहुत सारी महिलाएं पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। इस कपड़े का दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इन्हें धोने के बाद छिपाकर सुखाने के चक्कर में खुली हवा या धूप नहीं लग पाती। ऐसे में इसके इस्तेमाल से गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। पीरियड्स के दौरान कपड़े की जगह पैड का इस्तेमाल करना प्रोटेक्टिव होता है। लंबे समय तक एक ही पैड को लगाने से पसीने के कारण पैड नम रहता है। देर तक ऐसा होने के कारण वजाइना में इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए 6 से 8 घंटे में महिलाएं अपना पैड बदल दें तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। पीरियड के दौरान महिलाओं को अपने सेंसिटिव पार्ट्स की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। पीरियड के दौरान सफाई ज्यादा अहम हो जाती है। ब्लीडिंग के कारण बॉडी पार्ट्स में लगे खून को साफ करना चाहिए, इससे स्मेल भी नहीं पैदा होगी। पीरियड्स में ज्यादा बहाव के दौरान बार बार पैड बदलने के झंझट से बचने के लिए कुछ महिलाएं 2 पैड का इस्तेमाल करती हैं, जो गलत तरीका है। इस पैड की सोखने की क्षमता जितनी है उतना ही सोखेगा। 2 पैड एक साथ लगाने से संवेदनशील अंग के पास गर्मी बढ़ेगी, बैक्टीरिया ज्यादा पनपेंगे और दुर्गंध भी देंगे। 2 पैड से असुविधा भी महसूस हो सकती है। पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को अपने बैग में हमेशा एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन, टिश्यू पेपर, हैंड सैनिटाइजर, एंटीसेप्टिक मेडिसिन रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल या कहीं पे भी बाहर निकलें तो किसी भी वक्त उनकी जरूरत पड़ सकती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे अन्य वीडियोस को देखने के लिए विजिट करें ओनली माई हेल्थ चैनल को।